नंबर 1, साबुन की जगह चेहरे पर दही में बेसन मिलाकर लगाएं। इससे चेहरे का रंग बहुत जल्दी साफ और गोरा हो जाता है। इसे 5 मिनट लगाकर फिर चेहरा धो लें। साबुन और फेस वॉश हमारी त्वचा को रूखा और बेजान कर देता है, जिससे स्किन पर झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती हैं। नंबर 2, प्याज के रस को नारियल के तेल में मिक्स करके बाल धोने से 1 घंटा पहले लगा लें। ऐसा करने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है और बाल काले घने और मुलायम हो जाते हैं। नंबर 3, प्याज के साथ गुड़ खाने से दिल स्वस्थ रहता है। दांतों की समस्या या पीलापन खत्म करना हो तो मूली के छोटे छोटे टुकड़े में नींबू का रस मिलाकर दांतों पर रगड़े या कुछ देर तक चबाते रहें, थूक दें। इस तरह से दांतों का पीलापन कम होगा। धूप में दिन भर निकलने की वजह से चेहरे का रंग सांवला पड़ गया हो तो अंगूर का रस चेहरे पर लगाएं, इससे चेहरे का रंग पहले जैसा हो जाएगा। एलोवेरा में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। खाना खाने के बाद एक बड़ी इलायची खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। सुबह के समय दही खाने से शरीर में खून बनता है। अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आँखों की रोशनी तेज होती है। ठंडा पानी पीने के बाद चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहाना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। सलाद में बंद गोभी के पत्तों को चबाकर खाने से पेशाब खुलकर आता है। अगर आपका पेट ज़्यादा बढ़ रहा हो तो लहसुन के रस से पेट पर मालिश करें, इससे बढ़ता हुआ पेट कम हो जाएगा। जिनके सिर पर बाल कम हो वो रात को सोने से पहले चने की दाल का पानी सिर पर लगाएं, इससे धीरे धीरे बाल उगना शुरू हो जाएंगे। चाय के ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है। दूध और केला एक साथ सेवन करने से पेट खराब हो सकता है। जब खांसी बढ़ जाए तो मीठी चीज़ का इस्तेमाल ना करना, वरना गला और बैठ जाएगा और बोलना मुश्किल हो जाएगा। बकरी का दूध पीने से बाल लंबे होते हैं। सुबह के समय बिना ब्रश किए सबसे पहले 3 से 4 ग्लास गुनगुना पानी ज़रूर पिए। आप दिन में जब भी खाना खाएं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो खाने के साथ पानी ना पिए और ना ही तुरंत खाना खाने के बाद पानी पिए। अब पानी खाना खाने से कम 40 मिनट पहले 1 ग्लास पानी पिए, इसके बाद पानी ना पिए, फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए और वो भी गुनगुना। दिन में कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी अवश्य पिए। पानी जब भी पिए हमेशा बैठकर ही पिए। फ्रीज में रखा हुआ ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि इससे दांत कमज़ोर हो सकते हैं। गर्मी में धूप से आकर तत्काल हाथ पैर या मुंह नहीं धोना चाहिए और ना ही नहाना चाहिए। जिन्हें कब्ज़ रहती है उन्हें पके पपीते का सेवन ज़रूर करना चाहिए। चेहरे पर निखार लाने के लिए तुलसी की पत्तियों को गुलाब जल में 15 से 20 मिनट तक भिगोकर रखें। अब इसे पीसकर इसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा लें। कुछ ही दिनों तक लगातार ऐसा करने से चेहरे पर निखार आ जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक है। नींद इतनी कम भी ना हो शरीर थका थका रहे, और इतनी अधिक भी ना हो कि आलस्य आने लगे और मोटापे का कारण बने। आपको 6 से 8 घंटे की नींद प्रतिदिन लेनी चाहिए। थोड़ी देर कान में उंगली डालकर रखने से दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। पके हुए अनार का रस गर्म करके बच्चों को पिलाने से बच्चों की उल्टी रुक जाती है। किडनी स्टोन से दूर रहने के लिए नियमित रूप से तरबूज का सेवन करें। सांस फूलने की समस्या में दही की कड़ी में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर कुछ दिनों तक खाएं, इससे बहुत लाभ मिलेगा। सुबह का नाश्ता पेट भरकर करें। दोपहर का खाना सुबह के खाने से हल्का करें और रात का खाना भूख रख कर करें। रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले करें। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए बाई करवट ज़रूर लेटें। रात का खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम ज़रूर चलें। अपने खाने में फाइबर की सही से सही मात्रा रखें। रात को ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने से आपकी ताकत में कमी आ जाएगी। रोटी खाकर चलने से आपका दिल सेहतमंद रहता है। रोज़ाना बैठकर झाड़ू पोछा करने से औरतों में कभी भी कमर दर्द की समस्या नहीं होगी, साथ ही पाचन क्रिया मजबूत बनने में मदद मिलती है। यदि गर्मी की वजह से बुखार आ गया हो तो लौकी के छिलके पीसकर दोनों पैरों पर मलने से बुखार जल्दी उतर जाता है। रात के समय सोने से पहले दांत ज़रूर साफ करें
और एक ग्लास पानी पीकर सोएं। चीनी और नमक का सेवन कम करें। चीनी की जगह गुड़ या शक्कर का प्रयोग करने की कोशिश करें। मैदे से बनी चीजों से परहेज ही करें। यदि नहीं कर सकते तो आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। बाजार से खाने की आदत को कम करें। अगर आपका कुछ खाने का दिल है तो कोशिश करें कि घर पर ही बनाकर खाएं। चाय में सौंफ डालकर पी लिया करो। कब्ज कैसी भी हो खत्म हो जाएगी। खाना खाने के बाद सौंफ गुड़ खाने की आदत डालें। इससे खाना आसानी से पचने में मदद मिलती है। प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम जरूर करें। कोशिश करें सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करें। नियमित व्यायाम से शरीर की क्षमता बढ़ती है और शरीर कई रोगों से मुक्त रहता है। सप्ताह में एक बार अपने पूरे शरीर की 20 से 30 मिनट तक मालिश अवश्य करें। अपने खाने में फल और सब्जियों को ज़रूर शामिल करें। आपका भोजन हल्का गर्म होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मीठी नीम कड़ी पत्ती अपनी सब्जी में डालें। सभी का स्वास्थ्य ठीक करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। आयरन की कमी किसी को नहीं होगी। भोजन का समय निश्चित करें। पेट ठीक रहेगा। भोजन के बीच बात ना करें। भोजन ज़्यादा पोषण देगा। नंबर 66, नाश्ते में अंकुरित अन्न शामिल करें। पोषक विटामिन और फाइबर मिलेंगे। सुबह के खाने के साथ देसी गाय के दूध का बना ताज़ा दही लें। पेट ठीक रहेगा। अदरक अजवाइन का प्रयोग बढ़ाएं। गैस और शरीर के दर्द कम होंगे। रस निकले नींबू के चौथाई टुकड़ों में जरा सी हल्दी नमक और फिटकरी रख कर दांत मलने से दांतों का कोई भी रोग नहीं रहेगा। रात का भिगोया आधा चम्मच कच्चा जीरा सुबह खाली पेट चबाकर वही पानी पिए। एसिडिटी खत्म हो जाएगी। रोटी बनाने के बाद तुरंत गर्म तवे या चूल्हे को साफ ना करें, बल्कि थोड़ा ठंडा होने के बाद ही साफ करें। यदि बच्चों को भूख कम लगती हो तो अमरूद पर सेंधा नमक लगाकर खिलाया करें। इससे बच्चों की भूख जल्दी बढ़ने लगेगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम को अपनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी ही टिप्स और ट्रिक की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।